लेट एल इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो ए माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर बाई एक्स टू दी पावर में फोर वेयर ए इज पॉजिटिव एंड एल इज फाइनाइट। देन ये चार ऑप्शन बताना है और इसमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो सकता है सही। ठीक है देखो एल इक्वल टू लिखते हैं, एल इक्वल टू है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए है ना, ए लिखते हैं माइनस, और ये जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है यहाँ से अगर हम लोग ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो बाहर ए आएगा, यहाँ आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का पावर में वन बाई टू और माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर होगा और डिवाइड में एक्स टू दी पावर में फोर है। ठीक है अब देखो ये जो वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पावर वन बाई टू है तो इसको लिखेंगे एक्सपेंड करेंगे वन प्लस एक्स के पावर में एन बाइनोमियल से, इसका एक्सपेंशन कितना होता है ये होता है वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर और इसी तरीके से हायर पावर ऑफ एक्स, ये होता है एक्सपेंशन। इसी तरीके से हम यहाँ पे एक्सपेंशन करेंगे इसको तो देखो कितना हो जाएगा एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो होगा और देखो यहाँ पे ए है माइनस ए, अब इसको एक्सपेंशन करेंगे तो वन और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर, ठीक है एन एक्स हो गया प्लस, अब देखो n मतलब 1 बाई टू, एन माइनस वन मतलब 1 बाई टू माइनस वन माइनस वन बाई टू और डिवाइड में 2 फैक्टोरियल होगा और एक्स स्क्वायर मतलब माइनस है ना या माइनस उसका स्क्वायर कितना प्लस हो जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का, अच्छा माइनस लगा देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और हायर पावर ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे और यहाँ होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर और डिवाइड में देखो डिवाइड में एक्स टू दी पावर में फोर है रहने देंगे। ओके लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और देखो इसको इंटू करते हैं तो ए और ये माइनस ए होगा और प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू ए होगा और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और वन बाई एट होगा, वन बाई एट होगा तो मतलब एक्स टू दी पावर में फोर बाई एट ए क्यूब होगा। ठीक है और ये इसी तरह हाइयर पावर ऑफ एक्स और लास्ट में हो कितना हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में एक्स टू दी पावर में फोर है ना, ये ए और माइनस से कट जाएगा। अब देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो होगा, लिमिट एक्स टेंस जीरो होगा और एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिनिमम है ना तो वो लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का टर्म लिखेंगे तो वन बाई टू ए माइनस फोर होगा प्लस एक्स टू दी पावर में फोर बाई एट ए क्यूब होगा प्लस हायर पावर ऑफ एक्स हो जाएगा और डिवाइड में एक्स टू दी पावर में फोर है। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि L जो है वो फाइनाइट है, लिमिट फाइनाइट है और लिमिट x टेंस टू जीरो है, नीचे जीरो हो गया और फोर डिग्री है, जब x टेंस टू जीरो होता है तो डिग्री कम से कम सेम होना चाहिए तभी वो फाइनाइट वैल्यू आता है, ठीक है नहीं तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो देखो x के पावर फोर है मिनिमम डिग्री नीचे है तो ऊपर भी x के पावर फोर मिनिमम डिग्री होना चाहिए, तो उससे कम डिग्री वाला जो भी टर्म होगा ना उसको हम लोग जीरो कर देंगे और यहाँ पे वन बाई टू ए माइनस वन बाई फोर था, ठीक जो कम डिग्री वाला टर्म है उसका कोफिशियंट जीरो कर देंगे मतलब वन बाई टू ए माइनस वन बाई फोर इक्वल टू जीरो करेंगे, यहाँ से टू ए इक्वल टू फोर आ जाएगा मीन्स ए इक्वल टू टू आ गया तो ए का वैल्यू टू मिल गया ना। अब देखो जब एक्स टू दी पावर में ये टर्म पूरा का पूरा जीरो हो गया ना, ये टर्म पूरा का पूरा जीरो हो गया तो यहाँ एक्स टू दी पावर फोर बाई एट ए क्यू प्लस एक्स टू दी पावर फोर है और हायर पावर ऑफ एक्स है तो यहाँ पे एक्स टू दी पावर फोर कॉमन लेके कट करेंगे तो ये तो वन बाई एट ए क्यूब आ जाएगा और जो हायर पावर ऑफ एक्स है वो सबका सब जीरो हो जाएगा। ठीक है अब देखो जो हम लोग को एल का वैल्यू फाइंड करना था ना, एल का वैल्यू तो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, एल का वैल्यू आ जाएगा वन बाई एट ए क्यूब, इतना आएगा ना क्योंकि देखो एक्स टू पावर फोर कॉमन लेके कट हो जाएगा तो और लिमिट रखने के लिए लिमिट अगर रखेंगे तो जो हायर पावर ऑफ एक्स होगा वो जीरो हो जाएगा तो लिमिट का वैल्यू आ जाएगा एल इक्वल टू वन बाई एट ए क्यूब। अब ए का वैल्यू तो टू है तो टू का क्यूब एट होता है तो एट इंटू एट वन बाई सिक्सटी फोर तो एल का वैल्यू वन बाई सिक्सटी फोर आ गया, ए का वैल्यू टू आ गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, ए का वैल्यू टू फर्स्ट ऑप्शन है और एल का वैल्यू वन बाई सिक्सटी फोर सी ऑप्शन थर्ड, तो ए और सी इसका आंसर हो गया।